हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अंजनी शर्मा आज सिक्स क्लास के लिए लेकर आया हूँ वर्ण विलास, विभक्ति, वचन और पुरुष। इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वर्ण विलास क्या होता है, विभक्तियाँ कितनी होती हैं और क्या होती हैं, वचन कितने होंगे और पुरुष कितने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। सबसे पहले हम वर्ण विलास के बारे में बात करते हैं। तो वर्ण विलास की परिभाषा जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो वर्ण विलास की परिभाषा के बारे में मैं बताऊं आपको कि जब शब्दों में से वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है। बात नोटिस करें कि शब्दों में से या पदों में से, संस्कृत में पद होते हैं और भाषा हिंदी जो होगी उसमें शब्द होंगे। तो हमारे संस्कृत के अकॉर्डिंग लिखेंगे परिभाषा, तो पदों में से वर्णों को, वर्ण कौन से, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम वर्ण विलास कहते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए इस चीज को हम समझते हैं कि किस प्रकार से वर्ण विलास का कार्य होगा। तो यहां एक पद बनाते हैं, इसमें तो हम लिखेंगे पद, एक टेबल बना रहे हैं और यहां लिखेंगे उन पदों का वर्ण विलास। उन पदों का क्या लिखेंगे? वर्ण विलास। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पे एक पद ले रहे हैं, रामम। हमने एक पद लिया रामम। तो रामम में देखेंगे आप, सबसे पहले रामम जो शब्द है, रामम जो पद है यहाँ पे, उसका संस्कृत में अगर शब्द माने तो शब्द होता है राम और पद होता है रामम। रामम जो पद है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। तो अब इसका वर्ण विलास हमें करना है। वर्ण विलास का तात्पर्य यही है कि इसमें कौन कौन से अक्षर मिले हुए हैं, उन सब को अलग अलग करके हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम रा से शुरू करेंगे। तो रा में कौन से अक्षर है भाई? रे और आ की मात्रा है। तो देखिए इस वर्ण विलास में सबसे पहले हम रे लिखेंगे, उसके नीचे एक चिन्ह लगाएंगे। ये चिन्ह होता है हलंत, अर्थात इसमें से स्वर को बाहर निकालने का। तो इसके बाद में इसमें स्वर मिला हुआ था आ, तो ये रा का वर्ण विलास हो गया। फिर आगे वाले मै का वर्ण विलास करते हैं, तो वैसे ही मै, और जहां कोई मात्रा दिखाई नहीं देती है, कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है, उसमें क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है, ऐसा हमें मानना चाहिए। क्योंकि देखिए बिना स्वर के उच्चारण नहीं कर सकते, तो मैं ए की आवाज हमें ध्वनि सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंत में क्या मिला है? ए मिला है। तो रे प्लस आ प्लस मै प्लस ए, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसके आगे बाद में आ रहा है मैं, और मैं के नीचे एक चिन्ह लगा हुआ है हलंत का, तो इसका मतलब यही है कि उसमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से हम बना देंगे ये रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए प्लस मैं, इस प्रकार से ये रामम पद का क्या हो जाएगा? वर्ण विलास हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसमें देखिए श्याम है, श्याम है, ऐसा एक एग्जाम्पल है। तो अब देखिए यहां पे सबसे पहला अक्षर आ रहा है स, वो कैसा है? आधा अक्षर है, हलंत है, तो स लिखिए और उसके नीचे हलंत लगा दीजिए, स का कार्य कंप्लीट हुआ। यहाँ आगे नेक्स्ट अक्षर कौन सा आ रहा है? या, तो या के अंत में कौन सा अक्षर है, पहले कौन सा अक्षर, उस चीज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद में आएगा। वर्ण विलास करते हुए शब्द का ध्यान रखेंगे पदों में कि सबसे पहले व्यंजन ही हो लिखा जाता है, उसके बाद में ही स्वर उसमें जुड़ रहा होता है। तो ऐसे ही वर्ण विलास करते समय हम व्यंजन को पहले लिखेंगे और स्वर को बाद में लिखेंगे। तो या में आ मिला था, उस आ को हमने बाद में लिखा और ये को पहले लिखा। उसके बाद में देखते हैं हम मैं, तो मैं में भी देखिए यहाँ पे मैं है, मैं को हलंत करेंगे और मैं में ए मिला हुआ है, उस ए को भी हम साथ में लिखेंगे। और अंत में देखिए इसमें विसर्ग भी आ रहा है। तो इस प्रकार से हम राम है, श्याम, रामम और श्यामम का वर्ण विलास कर सकेंगे। अब आगे नेक्स्ट लेते हैं नेत्रम, एग्जाम्पल है नेत्रम। तो इस पद में देखेंगे आप कि सबसे पहला अक्षर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? ने। तो ने का वर्ण विलास करेंगे, तो ने हलंत करके उस पे एक मात्रा लगी हुई है, तो इस प्रकार से ए लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा? ने। फिर तरम, तो देखिए यहाँ पे तरम त्रय लिखा है, जो शब्द अक्षर है उस त्रय में दो अक्षर पहले से मिले हुए, क्योंकि ये त्रय जो है एक संयुक्ताक्षर है और संयुक्ताक्षर तीन होते हैं, जो मैंने वर्ण के टॉपिक में बताए हैं। एक तो होता है क्षय, एक होता है त्रय और एक होता है ज्ञ। ये तीन अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर दो अक्षर मिले हुए हैं, तब जाकर के एक अक्षर का निर्माण होता है।
तो इस क्षय को बनाने के लिए हमें आधा कह और मूर्धन्य क्षय लिखना होता है, तो इनसे बनता है क्षय। और त्रय बनाने के लिए आधा तय और बाद में लिखना पड़ता है रय, तो इन दोनों के संयोग से त्रय बनता है। इसी प्रकार आधा जय और ये लिखने से क्या बन जाता है, ज्ञ बन जाता है। तो यहां हम इस नेत्रम का विग्रह कर रहे हैं या इसका वर्ण विलास कर रहे हैं, तो जो त्रय है उस त्रय में देखिए पहले कौन से अक्षर मिले, तय और रय। त्रय और रय से भी हलंति बनेगा, लेकिन इसमें एक मात्रा दिखाई दे रही है ए की, यानी पूर्ण लिखा गया है, तो यहाँ पे इस ए को हम इसमें जोड़ देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए आधा तय पहले लिखेंगे, उसके बाद में रय लिखेंगे, उसके बाद में ए लिख देंगे, तो ये हो जाएगा त्रय। त्रय का वर्ण विलास हो गया। फिर आ गया रय में, तो मैं इसमें जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, नेत्रम। तो इस प्रकार से हम ये नेत्रम का वर्ण विलास कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं क्षेत्रम। अब देखिए क्षेत्रम जो है क्ष आया है, उसके ऊपर ए की मात्रा लगी है, लेकिन क्ष भी दो अक्षरों से मिलकर बना है, क और श से। तो पहले तो क्ष का करो आप वर्ण विलास, तो वर्ण विलास करेंगे तो क और श, ये श है मूर्धन्य श, और उसके बाद में देखिए ए की मात्रा लगी है, तो यहाँ लिख दीजिए आप ए। उसके बाद में हम देखेंगे वापस से त्रय आ रहे हैं, जैसे नेत्रम में त्रय का किया था आपने वर्ण विलास, उसी प्रकार से करेंगे त, आधा र और ए, इस प्रकार से बना देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ तक का क्षेत्र, और मैं जोड़ देंगे तो क्या रूप बन जाएगा, क्षेत्रम। तो इस प्रकार हम इसका क्षेत्रम वर्ण का पद का वर्ण विलास कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास पद है ज्ञानम। तो ज्ञानम का हमें वर्ण विलास करना है, तो ज्ञानम में भी वही संयुक्त अक्षर है ज्ञान, ज्ञा जो शब्द है ज्ञा, ज्ञ किससे बना है, जय और ये से, जय और ये से हलंत बनता है, आ की मात्रा इसमें दर्शाई गई है, तो उसको कि हम दर्शाते हुए लिखेंगे, तो जय आधा ये और उसके बाद में आ लिखेंगे, इन सब के संयोग से क्या बनेगा, ज्ञा। फिर नेक में ए मिला हुआ है, कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है, पूर्णतया लिखा गया है, तो ए जोड़ते हुए आगे मैं जोड़ देंगे, और ये क्या बन जाएगा, ज्ञानम। तो इस प्रकार हम जो ये वर्ण विलास का कार्य है, किसी भी पद का संस्कृत में हो या हिंदी में, इस प्रकार से हम उसका वर्ण विलास कार्य कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं विभक्तियों की। विभक्तियों में संस्कृत भाषा में बात करें अगर विभक्तियों की, तो मुख्य रूप से सात विभक्तियां होती हैं और एक संबोधन होता है। और संस्कृत में किसी भी शब्द का प्रयोग करने के लिए उसका विभक्ति में प्रयोग होना आवश्यक है। अगर आप बिना विभक्ति के किसी शब्द को संस्कृत में लिखते हैं तो उसे अशुद्ध माना जाता है। तो वो सात विभक्तियाँ कौन सी हैं, उनके नाम देखते हैं। सबसे पहले आती है प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। इसके बाद में आती है द्वितीय विभक्ति, फिर है तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, फिर है चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, और उसके बाद में सप्तमी, और एक होता है संबोधनम, ये अंतिम होता है इसमें संबोधनम। अब यहां जिज्ञासा यह होती है कि सर संबोधनम को अष्टमी विभक्ति क्यों नहीं माना गया, इसको अलग से ही क्यों बताया गया, तो इसका कारण यह है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है, तो इस कारण से संबोधनम को अलग से माना गया है, इसको अष्टमी विभक्ति में नहीं माना गया। विभक्तियां संस्कृत में मुख्य रूप से कितनी मानी जाएंगी, सात विभक्तियां ही होंगी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, लेकिन सात में एक संबोधन होता है और इस संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं वचनों की। तो संस्कृत में मुख्य रूप से वचन जो होंगे वो कितने प्रकार के माने जाते हैं, तीन प्रकार के वचन होते हैं। हिंदी भाषा में वचनों की बात करें तो वहाँ पे दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन हमारे यहाँ संस्कृत में एक वचन, एक वचनम,
ये अनुस्वार है मैं की तरह, अंतिम अक्षर पे अगर अनुस्वार लगाया जाता है तो मैं की तरह बोला जाता है। एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, बहुवचन। अब इन वचनों को भी समझ लेंगे। एक वचन में क्या चीजें होंगी, जो एक है वस्तु, अकेली वस्तु, अकेला व्यक्ति या अकेला स्थान, कौन से वचन में आएगा, एक वचन में आएगा। फिर द्विवचन, दो वस्तुएं, दो व्यक्ति या दो स्थान, दो में जो भी गणना होगी वो किस में होगी, द्विवचन में। और दो के बाद में चाहे वो कितनी भी हो, अनंत संख्या तक चाहे कितनी भी मानी जाए, वो सबकी सब किस में मानी जाएंगी, बहुवचन में ही मानी जाएंगी। तो इस प्रकार से संस्कृत में हमारे पास तीन वचन हो गए, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब बात कर लेते हैं आगे पुरुष की। तो पुरुष की बात करें तो संस्कृत में मुख्य रूप से तीन पुरुष ही माने जाते हैं, वचन तीन और पुरुष भी तीन। सबसे पहले पुरुष होता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। उसके बाद में होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और अंतिम होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। इनको विसर्ग के साथ में लिख देंगे, संस्कृत में माने जाएंगे। प्रथम है पुरुष है, मध्यम है पुरुष है, उत्तम है पुरुष है, इस प्रकार से ये संस्कृत में लिख दिए जाएंगे। तो ये तीन पुरुष होंगे, प्रथम है पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। तो तीन प्रकार के पुरुष माने जाएंगे। अब ये पुरुष कहाँ होते हैं, जब धातुओं के हम धातु रूप चलाते हैं। धातुओं के धातु रूप कैसे चलते हैं, जैसे आपने सुना होगा पठती, पठतः, पठंती। तो ये देखिए, ये प्रथम पुरुष का रूप है। फिर पठसी, पठतः, पठत, ये मध्यम पुरुष हुआ। फिर उत्तम पुरुष में पठामी, पठावे, पठामे। तो इस प्रकार से आगे जब हम धातुओं के रूप पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या है। अभी फिलहाल हमें यह ध्यान रखना है कि पुरुषों की संख्या कितनी मानी गई है, तीन। तीन ही वचन, तीन ही पुरुष, सात विभक्तियां, इस प्रकार से होती हैं। अब एक चीज इसमें और जोड़ते हैं कि लिंग कितने होते हैं। यहां पे लिंगों को परिभाषित करते हैं तो लिंग बताने का अर्थात तात्पर्य यही है कि कौन व्यक्ति स्त्री है, कौन व्यक्ति पुरुष है, या कौन व्यक्ति नपुंसक लिंग में आता है। कोई स्थान होगा या कोई पदार्थ होगा नपुंसक लिंग में आने वाला, तो वो नपुंसक लिंग। तो तीन यहाँ पे लिंग निर्धारित किए गए हैं कि उनके माध्यम से हम कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पुल्लिंग, उसके बाद में आता है स्त्रीलिंग, और अंतिम जो तीन नंबर पे होता है वो होता है नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। ये तीन लिंग इसमें माने जाते हैं। तो इन लिंगों के आधार पर हम किसी पदार्थ का पता लगा पाते हैं कि वो पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या फिर नपुंसक लिंग में है। तो ये हमारा वर्ण विलास, भक्ति, वचन, पुरुष और साथ में लिंग का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर।